बच्चों आज अपन क्या है जीन अभियांत्रिकी में एक टॉपिक है जीवाणुभोजी। बैक्टीरियोफेज क्या होता है उसका अपन अध्ययन करेंगे। जीवाणुभोजी है वो किस तरह से क्या जीन अभियांत्रिकी में काम आता है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जीवाणुभोजी उसकी परिभाषा बताते हैं कि जीवाणुभोजी होता क्या है। जीवाणुभोजी का मतलब है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज है इसको जीवाणुभोजी कहते हैं। सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा याद करनी है कि जीवाणुभोजी कहते किसको है। तो वे विषाणु ये एक्चुअल में जीवाणुभोजी नाम है यानी जो जीवाणु को खाते हैं जीवाणुभोजी। तो वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं परिभाषा है वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं। वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं या जो जीवाणु को नष्ट करते हैं उन्हें कहते हैं जीवाणुभोजी। वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं उन्हें कहते हैं जीवाणुभोजी। तो जीवाणुभोजी एक्चुअल में क्या है विषाणु है। क्या है विषाणु है ये वायरस है। क्या है वायरस। ये चीज ध्यान रखनी है। ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि जीवाणुभोजी क्या है। जीवाणु है विषाणु है तो आपको बताना विषाणु होते हैं। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट विशेषता बतानी है। इसके अंदर ये जीवाणुभोजी होता है। इस जीवाणुभोजी के कुछ उदाहरण हैं जैसे लैम्डा है M13 है ये जीवाणुभोजी के उदाहरण है। तो अगला सवाल आता है कि जीवाणुभोजी के उदाहरण लिखो। लैम्डा और M13 क्या है जीवाणुभोजी है। अब जीवाणुभोजी का उपयोग कब किया जाता है जब 24 किलो बेस तक के DNA की प्रतिकृति करनी होती है यानी जब 20 से 25 किलो बेस तक के DNA की प्रतिकृति करनी होती है तब अपन क्या करते हैं जीवाणुभोजी का उपयोग करते हैं। जीवाणुभोजी का सिर है उस सिर के अंदर क्या होता है DNA को पैक कर दिया जाता है। ये जीवाणुभोजी है इसका ये सिर है। सिर में अनुवांशिक पदार्थ होता है इसके सिर के केंद्रीय भाग के अंदर अनुवांशिक पदार्थ है इस तरह से और इसके चारों में प्रोटीन का आवरण है जिसको कहते हैं कैप्सिड। ये जीवाणुभोजी का चित्र है। ये जीवाणुभोजी का सिर है। इस सिर में ये प्रोटीन का आवरण है जिसको अपन कहते हैं कैप्सिड और इसके बीचों बीच में ये क्या है इसका अनुवांशिक पदार्थ है। इसके बीचों बीच में अनुवांशिक पदार्थ है। इस अनुवांशिक पदार्थ की विशेषता है कि अनुवांशिक पदार्थ रेखीय होता है। ये अनुवांशिक पदार्थ कैसा होगा रेखीय होगा और सीधा होगा। कैसा होगा रेखीय होगा सीधा होगा और द्विरज्जुकी होगा। ठीक है ये अपने को ध्यान रखना है कि इसका अनुवांशिक पदार्थ रेखीय सीधा और द्विरज्जुकी होता है। अब अपन क्या करते हैं ये अनुवांशिक अभियांत्रिकी में इसका उपयोग कैसे करते हैं। इस जो ये DNA है इस DNA को बाहर निकालते हैं। ये DNA है इसको बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद इसको क्या करते हैं सीमाकार एंडोन्यूक्लियस से दो खंडों में काट देते हैं। ये इस तरह से इसको काट दिया। ये दो खंडों में DNA कट गया। दोनों खंडों को अपन कहते हैं क्रॉस खंड। दोनों खंडों को कहा जाता है क्रॉस खंड। DNA दो भागों में बंट जाता है दोनों भागों को कहते हैं क्रॉस खंड। तो सबसे पहले ये क्या किया अनुवांशिक पदार्थ उसको बाहर निकाला। बाहर निकालते ये दो खंडों में कट गया। दोनों खंडों को कहते हैं क्रॉस खंड। फिर आपको जो उपयोगी DNA है ये मान लो क्या अनुवांशिक पदार्थ है इसमें ये उपयोगी DNA है। इस उपयोगी DNA को इस क्रॉस खंड के अंदर डाल देते हैं जिसकी आपको प्रतिकृति करनी है। ये 24 किलो बेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये ज़्यादा इसकी लंबाई नहीं होनी चाहिए छोटा ही होना चाहिए। फिर उसके बाद ये क्या बन गया ये पुनर्योजित DNA बन गया है। ये पुनर्योजित DNA बन चुका है। ये क्या बन चुका है पुनर्योजित DNA बन चुका है यानी दो क्रॉस खंडों के बीच में आपने उपयोगी DNA डाल दिया है। ये पुनर्योजित DNA या ये काइमेरिक DNA बन चुका है। अब अपन क्या करते हैं इसको वापस क्या करते हैं जीवाणुभोजी के सिर में डाल देते हैं। अब अपन ने क्या किया जीवाणुभोजी लिया और इस जीवाणुभोजी के सिर के अंदर ये वापस स्थानांतरित कर दिया। ठीक है अब ये जीवाणुभोजी क्या करेगा लयन चक्र द्वारा बहुत सारे नए जीवाणुभोजी बनाएगा और सबके अंदर ये उपयोगी DNA है इसकी प्रतिकृति होगी। तो इस जीवाणुभोजी का उपयोग अपन क्या करेंगे इस जीवाणुभोजी का उपयोग अपन जब 24 किलो बेस तक का DNA होता है तब करते हैं यानी बड़ा थोड़ा अनुवांशिक पदार्थ होता है तब करते हैं।
तो आप देखोगे कि सबसे पहले इसका जीवाणु भोजी का सिर है, इस सिर में ये प्रोटीन का आवरण है, इसको कहते हैं कैप्सिड, और इसके बीचों बीच में अनुवांशिक पदार्थ है जिसको कहते हैं कोर। अब अपन क्या करते हैं, इस अनुवांशिक पदार्थ इसको बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल कर सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस की सहायता से काट देते हैं। ये डीएनए दो भागों में बढ़ जाता है, इन्हें कहते हैं कॉस खंड। इन कॉस खंडों के बीच में उपयोगी डीएनए डाल दिया जाता है जिसकी प्रतिकृति करनी होती है। इसको फिर इसके पश्चात इस जीवाणु भोजी में वापस स्थानांतरित करते हैं। जीवाणु भोजी दहन चक्र द्वारा बहुत अधिक संख्या में क्या करता है, जीवाणु बनाता है, जीवाणु भोजी बनाता है। इस प्रकार ये कॉस खंड के बीच में उपयोगी डीएनए है, इन तीनों को मिलाकर कहते हैं पुनर्योजित डीएनए या काइमेरिक डीएनए। तो काइमेरिक डीएनए क्या है, दो कॉस खंडों के बीच में उपयोगी डीएनए है जिसकी प्रतिकृति करनी है, उस इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है काइमेरिक डीएनए या पुनर्योजित डीएनए। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो लैम्डा है M13 है, उसमें से लैम्डा का उपयोग वाहक के रूप में क्यों किया जाता है। ठीक है, अब ये लैम्डा और M13 है, इसमें से क्या करते हैं, लैम्डा का उपयोग किया जाता है वाहक के रूप में। वाहक के रूप में लैम्डा का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो लैम्डा है, इस लैम्डा की विशेषता ये है कि इसमें डीएनए द्विरज्जु की होता है और रेखीय होता है। डीएनए द्विरज्जु की होगा, डीएनए इसमें द्विरज्जु की होता है। ठीक है, दूसरी विशेषता आपको बतानी है लैम्डा होता है, इस लैम्डा की विशेषता है कि इसमें डीएनए द्विरज्जु के साथ ये ई कोलाई को संक्रमित करता है। जो ई कोलाई एस्टीरिया कोलाई है उस जीवाणु को ये संक्रमित करता है। और तीसरा आपको बताना है कि इसके सिर में जो डीएनए है उसको आसानी से पैक किया जा सकता है। सिर में डीएनए जो प्रवेश करवाया जाता है उसको आसानी से पैक किया जा सकता है। तो सवाल आता है बोर्ड के अंदर, परीक्षा के अंदर सवाल आता है कि लैम्डा है उसका उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें डीएनए द्विरज्जु और रेखीय होता है, ई कोलाई जीवाणु को ये संक्रमित करता है और इसके सिर में डीएनए को आसानी से पैक किया जाता है। अब वाहक के रूप में प्लाज्मिड और जीवाणु भोजी की तुलना करते हैं, प्लाज्मिड और जीवाणु भोजी हैं उनकी तुलना करते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि आप वाहक के रूप में जीवाणु भोजी का उपयोग करोगे या प्लाज्मिड का। तो सबसे पहली विशेषता ये बतानी है कि प्लाज्मिड है वो 10 से 15 किलोबेस तक के डीएनए की प्रतिकृति कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, और जीवाणु भोजी है वो 20 से 25 किलोबेस तक के डीएनए की प्रतिकृति कर सकता है। तो जब बड़ा डीएनए होता है तब अपन क्या करते हैं, जीवाणु भोजी का उपयोग करते हैं। प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड के अंदर क्या होते हैं, मार्कर जीन होते हैं। प्लाज्मिड के अंदर मार्कर जीन होते हैं जिसके कारण इनका चयन और गुणन है वो थोड़ा मुश्किल से होता है। इसके चयन और गुणन में समस्या आती है, यानी इनका चयन और गुणन आसानी से नहीं हो सकता है, जबकि इसका जीवाणु भोजी का चयन और गुणन आसानी से किया जा सकता है। चयन और गुणन इनका आसानी से किया जाता है क्योंकि इनके द्वारा एक प्लाक क्षेत्र बनता है, उसकी पहचान आसानी से होती है। इनके द्वारा जो प्लाक क्षेत्र बनता है उसकी पहचान आसानी से होती है, इसलिए इसका चयन और गुणन आसानी से कर सकते हैं। तीसरा आपको बताना है कि ये जो प्लाज्मिड है ये क्या करता है, प्रतिकृति जीवाणु प्रतिकृति कोशिका के जीवाणु कोशिका के अंदर करता है, प्रतिकृति जीवाणु कोशिका के अंदर करता है, क्या करेगा, प्रतिकृति जीवाणु कोशिका के अंदर करेगा और कम संख्या के अंदर क्या करेगा, कुछ नए डीएनए बनाएगा, और ये अधिक संख्या के अंदर क्या करता है, डीएनए का निर्माण करता है। अधिक संख्या के अंदर डीएनए है उसका निर्माण करता है, तो इसलिए ज़्यादातर क्या करते हैं, जीवाणु भोजी का उपयोग किया जाता है। तो दो छोटे छोटे सवाल बनते हैं आरबीसी बोर्ड के अंदर कि लैम्डा और M13 है उसमें से लैम्डा जीवाणु भोजी का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसमें डीएनए द्विरज्जु है, ई कोलाई जीवाणु के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, ई कोलाई को ये संक्रमित करता है, इसके सिर में डीएनए आसानी से पैक किया जा सकता है। अब दूसरा सवाल आता है कि प्लाज्मिड और जीवाणु भोजी दोनों में से आप किसका उपयोग करोगे, तो जब छोटा डीएनए है तो 10 से 15 किलो बेस तक का डीएनए तब अपन प्लाज्मिड का उपयोग करेंगे, और जीवाणु भोजी में 20 से 25 किलो बेस तक के डीएनए की प्रतिकृति की क्षमता होती है। इसमें कुछ प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन होते हैं, एमपीसी जीन, टेट्रासाइक्लिन, इसका क्या होता है, चयन और गुणन होता है, उसमें समस्या आती है,
इसका चयन और गुणन आसानी से नहीं कर सकते हैं, इसका चयन और गुणन आसानी से नहीं कर सकते हैं, और इसका क्या कर सकते हैं, इसका चयन और गुणन है वो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एक विशेष प्रकार का क्षेत्र बनाता है प्लाक क्षेत्र, जिसके अंदर इसकी संख्या अधिक से अधिक होने का पता चल जाता है। फिर इसकी प्रतिकृति जीवाणु कोशिका के अंदर प्रवेश करवा कर की जाती है, और इसकी प्रतिकृति कम संख्या में बनती है, इसकी प्रतिकृति अधिक संख्या में बनती है, कई मिनटों के अंदर ये करोड़ों की संख्या में बन जाते हैं। अब मैं जीवाणु भोजी उसके द्वारा कैसे जनन होता है वो समझाएंगे अपन को। अब जीवाणु भोजी है उसका आपको बताते हैं कि ये जीवाणु भोजी किस तरह से लयन चक्र द्वारा कुछ ही सेकंड के अंदर करोड़ों की संख्या में प्रतिकृति बनाता है। ये इसमें क्या है, कुछ तंतु है, ये इसमें कुछ तंतु है, ये इसका सिर है, सिर बना हुआ है प्रोटीन का, जिसको कहते हैं कैप सिर, ठीक है। और फिर उसके बाद ये इसका अनुवांशिक पदार्थ है जिसको कहते हैं प्रोटीन का बना हुआ। अब ये क्या करता है, सबसे पहले अपन इसके सिर में से अनुवांशिक पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ये अनुवांशिक पदार्थ है, इसको बाहर निकाल दिया। इस अनुवांशिक पदार्थ को बाहर निकालने के बाद सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस की सहायता से काट दिया जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, उसकी सहायता से इसको काट दिया जाता है। ये दो खंडों में बढ़ जाता है, दोनों खंडों को कहते हैं कॉस खंड, ठीक है, दोनों खंडों को कहते हैं कॉस खंड। फिर उसके बाद अपने पास में उपयोगी डीएनए है, इस उपयोगी डीएनए था, इस उपयोगी डीएनए में से भी क्या करते हैं, सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस से ये खंड काट देते हैं। फिर इन कॉस खंड और ये उपयोगी डीएनए है, इनको डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ देते हैं। डीएनए लाइगेज एंजाइम है, उसकी सहायता से जोड़ देते हैं। ये किसी का अनुवांशिक पदार्थ है, इस अनुवांशिक पदार्थ के अंदर उपयोगी क्या है, डीएनए था, उसको बाहर निकाल दिया। फिर अपन इस तरह से इसको जोड़ देते हैं, ये बन गया कॉस खंड और ये उपयोगी डीएनए, ठीक है। फिर इसको क्या करते हैं, ये बन गया पुनर्योजित डीएनए, पुनर्योजित डीएनए बन गया। अब इस पुनर्योजित डीएनए या काइमेरिक डीएनए है, इसमें ये क्या है, कॉस खंड है, क्या है, कॉस खंड है, ये क्या है, ये कॉस खंड है, और ये क्या है, उपयोगी डीएनए है, क्या है, उपयोगी डीएनए है। अब इस उपयोगी डीएनए की जिसकी प्रतिकृति करनी है उसको जीवाणु भोजी के सिर में वापस डाल दिया, ये जीवाणु भोजी के सिर में वापस डाल दिया। इसके सिर में ज़्यादा लंबा डीएनए नहीं डाला जाता है, ये पैक होने में समस्या होती है। फिर उसके बाद ये जीवाणु भोजी क्या करता है, इस जीवाणु को संक्रमित करता है। ये ई कोली जीवाणु है, इस जीवाणु को ये संक्रमित करता है, इसके द्वारा लाइसोजाइम एंजाइम निकलता है और इसकी कोशिका भित्ति गल जाती है, और इसका ये अनुवांशिक पदार्थ है वो इसके अंदर आ जाता है। ये अनुवांशिक पदार्थ इसके अंदर आ गया, इसने क्या किया, ये अपने जो कुछ तंतु हैं, जो टेल फिलामेंट है, उससे इसमें जुड़ गया। जुड़ने के बाद इसने लाइसोजाइम एंजाइम निकाला, ये कोशिका भित्ति गल गई। फिर उसके बाद ये जो जीवाणु का अनुवांशिक, जीवाणु भोजी का अनुवांशिक पदार्थ है वो इसमें आ गया, ये इसका प्लाज्मिड है और ये इसका अनुवांशिक पदार्थ है जीवाणु का। अब ये क्या करता है, इसका नियंत्रण करता अनुवांशिक पदार्थ का, और इसको कहता है मेरी प्रतिकृति करो। तो कुछ समय के अंदर क्या होता है, करोड़ों की संख्या के अंदर ऐसे ये जीवाणु भोजी के अनुवांशिक पदार्थ बन जाते हैं। कुछ ही सेकेंड के अंदर इसके अंदर करोड़ों की संख्या में ये जीवाणु भोजी के ऐसे अनुवांशिक पदार्थ बन जाते हैं ये। फिर उसके बाद ये कोशिका भित्ति गल जाती हैं, ये कोशिका भित्ति क्या होती हैं, गल जाती हैं, और ये इस तरह से अनुवांशिक पदार्थ मुक्त हो जाते हैं, ये अनुवांशिक पदार्थ मुक्त हो जाते हैं, ये अनुवांशिक पदार्थ मुक्त हो गए। इन सबके चार्टर प्रोटीन का आवरण बन जाता है, इन सबके चार्टर प्रोटीन का आवरण बन जाता है। तो इस तरह ये एक जीवाणु भोजी था और इसकी बहुत सारी कॉपी बन गई, बहुत सारे ऐसे जीवाणु भोजी बन गए हैं। तो इस तरह से ये क्या करता है, जनन करता है, इसको कहते हैं लयन चक्र, इसको क्या कहते हैं, लयन चक्र। तो एक जीवाणु भोजी था, कितना था, एक था, अब ऐसे बहुत सारे बन गए, क्या हो गए, ऐसे बहुत सारे बन गए हैं। तो ये करोड़ों की संख्या में इस तरह क्या होते हैं, जीवाणु भोजी बन जाते हैं। पहले बनता है इनका अनुवांशिक पदार्थ बनता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये नए नए जीवाणु भोजी प्रोटीन आवरण बनने के कारण बन जाते हैं। तो अपने पास में क्या था, ये एक डीएनए था, अपने पास में एक डीएनए था, आप इस एक डीएनए था, इस एक डीएनए की बहुत सारी कॉपी बन गई है, इस एक डीएनए की बहुत सारी क्या बन गई है, कॉपी बन गई है।
और इस तरह से क्या हुआ है कि अपन कुछ ही सेकंड के अंदर करोड़ों की संख्या में क्या कर सकते हैं, नए जीवाणु भोजी बनाते हैं। ये नए जीवाणु भोजी कौन से चक्र से बनते हैं? ये लयन चक्र से बनते हैं, ठीक है। तो ये जीवाणु भोजी किसको संक्रमित कर रहा है? जीवाणु को। तो वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं, उन्हें जीवाणु भोजी के नाम से जानते हैं। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सवाल बनते हैं कि जीवाणु भोजी एक अच्छा वाहक क्यों है? जीवाणु भोजी है वो लैम्डा, जीवाणु भोजी के उदाहरण लिखो, जीवाणु भोजी और प्लाज्मिड की तुलना करो, जीवाणु भोजी वो किस तरह से लयन चक्र द्वारा नए जीवाणु भोजी का निर्माण करता है, ये अपने छोटे छोटे सवाल याद रखने हैं। तंबाकू के अंदर जैसे क्रीम पिट्टी का रोग है वो जीवाणु भोजी द्वारा उत्पन्न होता है, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि जीवाणु भोजी है वो किस तरह से काम करेगा। अपन चैप्टर नंबर पढ़ रहे हैं 11, उसमें आज एक नया टॉपिक है पौधों और जंतुओं में, पौधे व जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु सावक, ठीक है। ये टॉपिक है अपने पौधे और जंतुओं में की जीन क्लोनिंग हेतु सावक है। तो जब जंतुओं में क्लोनिंग की आवश्यकता होती है तो अपन को उपयोग करना पड़ता है रेट्रोवायरस का। ये एक छोटा सा सवाल पूछा जाता है कि जैसे आपको जंतुओं में जीन की क्लोनिंग करनी है तो आप किसका उपयोग करते हो? रेट्रोवायरस का उपयोग करते हो। ये रेट्रोवायरस क्या करते हैं? किसी कोशिका पे कार्य करते हैं और उस कोशिका को कैंसर कोशिका में परिवर्तित कर देते हैं, यानी उस कोशिका में लगातार क्या होता है? विभाजन का गुण आ जाता है, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। सीधा सवाल पूछा जाता है जंतु कोशिका में जीन क्लोनिंग हेतु किसका उपयोग किया जाता है? रेट्रोवायरस का। अब अपने पौधों के अंदर क्या होता है, जब जीन क्लोनिंग की आवश्यकता होती है तो अपन वाहक का उपयोग करते हैं और वाहक का नाम होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिएशियंस। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिएशियंस क्या है? एक जीवाणु होता है। एक जीवाणु होता है। ये जीवाणु क्या होता है? मर्दा में मुक्त रूप से घूमता रहता है। और तंबाकू के अंदर एक कैंसर उत्पन्न करता है जिसका नाम होता है क्रीट पिट्टी का। यानी क्राउन गॉल ट्यूमर, ठीक है। ये रोग उत्पन्न करता है तंबाकू के पौधे की जो जड़ें होती है उनके अंदर। और इस तरह से ये क्या है कि क्राउन गॉल ट्यूमर रोग उत्पन्न करता है। अपन इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिएशियंस के अंदर एक प्लाज्मिड देखते हैं, उस प्लाज्मिड का नाम होता है टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। इसके अंदर एक प्लाज्मिड होता है टीआई प्लाज्मिड। तो सवाल आता है टीआई प्लाज्मिड किस में होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिएशियंस जीवाणु के अंदर होता है। इस टीआई प्लाज्मिड को देखा जाता है तो इसका एक भाग है जिसका नाम है टीडीएनए। इसका एक भाग होता है जिसको अपन कहते हैं टीडीएनए। तो टीआई प्लाज्मिड का एक भाग होता है जिसको अपन क्या कहते हैं? टीडीएनए। टीडीएनए का पूरा नाम होता है ट्रांसफर डीएनए, ठीक है। इस ट्रांसफर डीएनए के अंदर दो किनारे होते हैं, दायां किनारा और बायां किनारा, ठीक है। टीडीएनए के अंदर दो किनारे होते हैं, दायां किनारा और बायां किनारा। इसमें 25 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें एक हानिकारक जीन होता है जिसको कहते हैं ऑन्कोजीन। जो कैंसर उत्पन्न करता है, इसको अपन ऑन्कोजीन को हटाते हैं। और हमारे पास में जो उपयोगी डीएनए है जिसकी अपन को क्या करना है, भेजना होता है, उसको इसमें डाल देते हैं। तो अपन ने क्या किया, अपन ने सबसे पहले बताया कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिएशियंस जीवाणु मर्दा में मुक्त रूप से घूमता है और ये तंबाकू के अंदर क्रीट पिट्टी का रोग उत्पन्न करता है। इसके अंदर एक प्लाज्मिड पाया जाता है टीआई प्लाज्मिड। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि टीआई प्लाज्मिड किस जीवाणु के अंदर पाया जाता है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिएशियंस के अंदर। और इसी तरह से एक एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनीज है उसके अंदर होता है आरआई प्लाज्मिड, ठीक है। अब अपन कहते हैं कि टीआई प्लाज्मिड का एक भाग होता है, ये पूरा टीआई प्लाज्मिड है, इसका एक भाग है जो पादप कोशिका में स्थानांतरित होता है, उसको कहते हैं टीडीएनए। टीआई प्लाज्मिड का वह भाग
टीआई प्लाज्मिड का वह भाग जो पादप कोशिका में स्थानांतरित होता है, टीआई प्लाज्मिड का वह भाग जो पादप कोशिका में स्थानांतरित होता है उसको कहते हैं टीडीएनए। इस टीडीएनए के अंदर एक हानिकारक जीन होता है जिसको ऑन्कोजीन कहते हैं और इसके दो किनारे होते हैं टीडीएनए के, दायां किनारा और बायां किनारा। इसमें 25 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अपन हानिकारक जीन को हटाकर उपयोगी जीन डाल देते हैं जिसको हमको प्रतिकृति करनी है। अब मेरे पास में ये जीवाणु है, इसमें उपयोगी जीन डाल दिया टीडीएनए में। मैं क्या करूंगा, तंबाकू की कोशिका लूंगा। ये तंबाकू की कोशिका ले ली मैंने, क्या कर दी, या मैंने टमाटर की कोशिका ले ली, या मैंने जैसे क्या है घास कोई अन्य टमाटर है, या जो द्विबीजपत्री पादप है, टमाटर ले लिया, तंबाकू ले लिया, ये द्विबीजपत्री पादप होते हैं, इनकी कोशिका ले ली। लेने के बाद क्या किया मैंने, इस कोशिका को इसके साथ दो दिन तक रखा, सह कल्चर किया। ये टीडीएनए इस कोशिका में प्रवेश कर जाएगा, ये पूरा प्लाज्मिड प्रवेश करेगा जीवाणु के साथ, और ये टीडीएनए होगा ये इसके साथ मिश्रित हो जाएगा इसके अनुवांशिक पदार्थ के साथ। फिर मैं इस कोशिका से पूरा पादप बनाऊंगा, इस पादप को मैं कहूंगा ट्रांसजेनिक पादप। ये ट्रांसजेनिक पादप बन चुका है, क्या बन चुका है, ट्रांसजेनिक पादप बन चुका है। तो इस तरह से इस पादप के अंदर ये उपयोगी जीन आ चुका है, जैसे नाइट्रोजन स्त्रीकरण करने वाला जीन, अगर नाइट्रोजन स्त्रीकरण करने वाला जीन मैं इसमें डालूंगा ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन मैं इस टीडीएनए में डालूंगा इसमें आ जाएगा। जैसे उच्च उत्पादन वाला जीन, अगर उत्पादन बढ़ानी है तो मैं इसमें डालूंगा ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि मैं इस तो जो ये जीवाणु है इसको दो दिन तक इसके साथ सह कल्चर करूंगा तो ये उपयोगी डीएनए इसमें प्रवेश कर जाएगा और इस तरह से एक नया पादप कोशिका बनेगी। उस पादप कोशिका इसको सह कल्चर करेंगे और उसके बाद उसको कैलस संवर्धन करके एक नया पादप बना लेंगे। तो आपको इसमें से इतना ही याद रखना है कि जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका में अगर आपको जीन है उसको प्रवेश करवाना है तो आप रेट्रोवायरस का सहारा लो, और अगर आपको पादप कोशिका में द्विबीजपत्री पादप कोशिका है, ये सिर्फ द्विबीजपत्री में ही प्रभावी है क्योंकि द्विबीजपत्री कोशिकाओं से एसिटोसिलिकॉन निकलता है जो इसके टीडीएनए के स्थानांतरण को प्रेरित करता है। अब ये रूपांतरित हुई है नहीं हुई है कोशिका, ये ओपिन बनाती है। अगर ये ऑक्टापिन नेपोलिन बनाती है इसका मतलब क्या हो चुका है, ये रूपांतरित हो चुकी है, और अगर ये ओपिन नहीं बनाती इसका मतलब ये रूपांतरित नहीं हुई है, ठीक है। ये सवाल आता है टीआई प्लाज्मिड किस में पाया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफिकेशन के अंदर पाया जाता है, ठीक है।